नमस्कार अभिनंदन, सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है आपका अनुभव श्रृंखला के अंदर। ये अनुभव समय समय पर श्रद्धालुओं के द्वारा आश्रम के साथ में व्हाट्सएप के थ्रू साझा किए जाते हैं। वो सब अनुभव जो है आपके साथ में साझा करने के लिए हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। ये पॉडकास्ट उसी का एक हिस्सा है। चलते हैं, अनुभव रिकॉर्ड करते हैं आज के श्रद्धालु के साथ में। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। तो आप आश्रम से जुड़े हुए हैं, आप ये बताएं जी, स्वामी जी से आप कब जुड़े और कैसे जुड़े? मैं भाई आश्रम से जो है 2000 गुरु जी से, मतलब 2017 से जी, लगभग 2017 से, क्योंकि गुरु जी उस समय लाइफ में नहीं आते थे, सिर्फ ऑडियो आते थे गुरु जी जी, और वो मैं सिर्फ ऑडियो सुनता था, उस समय ऑडियो सुनता थी उस समय से इनसे जुड़ा जी। बहुत अच्छा। 8 साल से, लगभग 8 साल से, क्योंकि 2017 में जब गुरु जी की सिर्फ ऑडियो आती थी, अपने लिखा हुआ पानी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी, फिर बात उस समय से गुरु जी को सुनता है, उस समय से सुन। चलो बहुत अच्छी बात है। आश्रम पे समय समय पे पूजा पाठ होते रहते हैं, जो त्रिपंडी श्राद्ध हो गया, नारायण बलि हो गई, और भी बहुत सारी तरीके की पूजा की भी जाती है। आपने कभी किसी पूजा आपने आश्रम के माध्यम से करवाई है? जी करवाया था 2019 के टाइम, 20 के टाइम, जब भी त्रिपंडी नारायण बलि करवाई। तो आपको उसका कुछ आपका कुछ अनुभव है जो आप श्रद्धालुओं के साथ में साझा करना चाहेंगे? हाँ, उसका एक अनुभव है कि मैं अपनी सासू माँ का करवाया था, और हमारी सासू माँ लगभग जुलाई 2017 में एक्सपायर हुई। तो वो थोड़ा जोर से बोलिए, आपका थोड़ा आवाज कम आ रहा है शायद। अच्छा, तो 2017 में लगभग जुलाई 2017 में एक्सपायर हुई थी, और हमारी पत्नी के लिए जो बार बार सपने दिखाई देती, तो मुझे ऐसा लगा कि उनको उनकी सद्गति के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के वीडियो से सुनी थी, तो मैंने उसी से उनका रजिस्ट्रेशन करवाया था, और नारायण बलि के लिए करवाया, क्योंकि उनको हार्ट अटैक हुआ था, तो शायद वहां फिर नहीं आता है हार्ट अटैक, तो नारायण बलि एक करवाई थी, तो उसके बाद उनके लिए श्राद्ध भी करवाया, फिर वो ठीक हो गया, तो फिर उसके कभी ऐसा स्वप्न के माध्यम से कुछ ऐसा नहीं। तो ये एक अनुभव रखा है। चलो बहुत अच्छा अनुभव आपका हुआ है। आपने स्वामी जी से मंत्र दीक्षा ली है क्या? मैं मंत्र दीक्षा एक बार ऑनलाइन ले चुका हूँ गुरु जी से, और इस बार गुरु पूर्णिमा पे मैं अपने छोटे भाई को लेकर गया था, तो उस समय भी प्रत्यक्ष गुरु मंत्र दीक्षा गुरु जैसे प्राप्त होने का सौभाग्य मिला, दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दोनों तरफ से मैं ले चुका हूँ, क्योंकि आश्रम पे गया था, भाई को दिला की थी, मेरे को भी सौभाग्य मिल गया। चलो बहुत अच्छा। प्रत्यक्ष मंत्र दीक्षा ली है। आपने स्वामी जी रूपेश्वरानंद जी के आश्रम से कौन कौन सी उपासनाएं सीखी हैं और क्या उनका अनुभव हुआ है? कुछ अनुभव आप श्रद्धालुओं के साथ में साझा कीजिए। साधना तो गुरुदेव के माध्यम से जो गुरुदेव बताते हैं वो तीन, कवच सिद्ध करना, दिग्बंधन स्त्रोत से सिद्ध करना, और मैंने लगभग अपने गुरु में सभी लोग मेरे यहाँ कवच सबका सिद्ध है, और सब लोग कवच का पाठ करते हैं, कई लोग बात का पाठ करते हैं, तो ये स्वामी जी से जुड़ने के बाद भी उसको स्टार्ट करा, हालांकि आध्यात्मिक जीवन बहुत पहले से रहा है, लगभग 2000 से छोटे से बचपन से ही, मतलब जब और ये सब चीजें चलती रही, लेकिन 2017 के बाद गुरु जी का जो प्रत्यक्ष हमने उनको सुना, और प्रत्यक्ष उनको सुनने के बाद जो महसूस हुआ कि जो साधना में कमी आ रही है, वो जो कमी है वो गुरुदेव के माध्यम से पूरी हुई, क्योंकि कवच का और दिग्बंधन का ये जो जानकारी होती है, ये संपर्क गुरु ही दे सकता है कि किस तरीके से उसका प्रयोग करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो राम रक्षा कवच है, और भजन मां, और भी कवच है, शिव ब्रह्म अमोह कवच, गुरुदेव के माध्यम से सीखे, क्योंकि वहां से उनको शुद्ध प्राप्त हुआ, जिसे बिल्कुल उसमें जो भी है गुरुदेव जो भी कमी होती है उसको दूर कर देता हूँ, उसके बाद उसका प्रभाव भी होता है और मार्गदर्शन भी देता है।
वो साधना गुरुदेव के माध्यम से सीखने का प्रयास हुआ और गुरुदेव के आशीर्वाद से वो साधना करने का भी स्वभाव। अभी जो महाकाल यज्ञ और वाराही यज्ञ आश्रम में हुए हैं, क्या वो आपने उनमें भाग लिया था? हाँ मैंने भाग लिया, लेकिन महाकाल यज्ञ में तो मैं उसके लिए जो है भाग भी लिया और जो सामर्थ्य आपने महाकाल यज्ञ में भाग लिया, तो जो आपकी समस्या थी या आपकी जो इच्छाएं थी उनको कुछ सहयोग मिला? मैंने समस्याओं के लिए नहीं, सिर्फ लोक कल्याण के जो गुरुदेव यज्ञ का करते हैं उसमें भाग लिया, तो इस समस्या के लिए मैंने स्पेशली नहीं, गुरुदेव लोक कल्याण के लिए सारा लगातार पिछले एक साल से अखंड हवन वहाँ पे चल रहा है आश्रम में, और बहुत अच्छा काम आपने किया है कि लोक कल्याण के लिए आप यजमान बने। आप गुरुदेव से मिले हैं तो आपको कैसा लगा स्वामी जी से मिलके, थोड़ा अनुभव आपको वो भी बताएं हमें कि स्वामी जी से मिलने के बाद आपको मिलते समय आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसा उनका स्वभाव है? गुरुदेव स्वभाव, गुरुदेव का मतलब कह नहीं सकते कितना अच्छा स्वभाव है ये, लेकिन जैसे ही बलुआ घाट पहुंचे तो आश्रम के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ऊर्जा आश्रम के अंदर, उनको बाद में रात में 9:30 बजे लगभग गुरुदेव ने अनुमति दी आने की, तो 9:30 बजे हम गए वहाँ यज्ञशाला में। हम जब बैठे सुबह के टाइम यज्ञशाला में गुरुदेव ने अनुमति दे दी, गुरुदेव यज्ञशाला में बैठा कर सकते हैं, तो गुरुदेव ने अनुमति दे दी तो हम यज्ञशाला में बैठे। एक अजीब ही अनुभूति थी, अजीब ही की पता नहीं, जैसे कहते हैं ना हल्का शरीर में हल्का आनंद की अनुभूति आपको हुई वहाँ पे एकदम से? आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, अजीब ही बात है, मतलब एक रोमांचित कह सकते हैं उसके लिए। अंदर से मन बड़ा प्रसन्न था, नींद नहीं आ रही थी सबसे बड़ी बात, लेकिन निद्रा नहीं आ रही। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात कि निद्रा नहीं, माँ कहते ना सात्विक गुण जो जब हो जाते हैं तो तमस हट जाता है, तो निद्रा का स्वभाव कम हो जाता है, तो रात में भी पूरी नींद आ रही, गुरुदेव रात में यज्ञ कर रहे थे बैठे तो भी थी अजीब सा। अच्छा बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि उधर आश्रम के एनवायरनमेंट में जाते ही वहाँ पे निंद्रा जैसा तमस जो है उसका स्वतः ही त्याग हो जाता है। आप स्वामी रूपेश्वरन जी के आश्रम को कैसे सहयोग करते हैं और भविष्य में आप आश्रम से कैसा सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं? गुरुदेव से सहयोग जैसा जैसे हम कहते हैं हमारा खुद का गुरु विचार और ये भी है कि हमें अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए, गुरु जैसा आदेश देते हैं ऐसा आदेश का पालन करना चाहिए हम सभी भाई, पहला। दूसरा, गुरुदेव जो लोक कल्याण में कार्य मैं लक्ष्य, तो लोक कल्याण के लिए जो भी गुरुदेव काम कर रहे हैं हम सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो उसमें जितना सहयोग कर सकते हैं, जितना भी सहयोग हम कर सकते हैं, जितना भी हमसे बन सकता है उतना ही कर, और उसके लिए ये नहीं है कि नहीं गुरुदेव उनको देखेंगे ही या फिर हम उनको बार बार बताएंगे, नहीं ठीक है अकाउंट नंबर दे दी है तो जितना जैसा सहयोग कर सकते हो वहाँ पे। मैंने एक चीज देखी है कि वहाँ कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है, बाध्यता नहीं, जितना जिसको जो बल पड़ता है वो करता है, तो वैसा ही एक अंशदान जो वहाँ से निकलता है वो गुरुदेव के लिए वो करना भी चाहिए। बहुत अच्छा अनुभव आपका है और बहुत अच्छी बातें आपने साझा की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ और स्पेशली साझा करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, अभी मैं लगभग अभी एक स्वप्न के माध्यम से एक अनुभव शायद आपके सामने शेयर करता हूँ इसके लिए, ताकि हमारे जितने भी भाई जो भी हमारे गुरुदेव से जुड़ेगी और जो भी हमारे गुरुदेव को सुन रहे, जो भी श्रद्धालु उनके श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आते हैं,
उसके लिए मैं लगभग 2000 से जिस मंत्र का जब मतलब 20 साल हो गए मेरे पुराने गुरु। मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपका शायद माइक दूर है आपके फेस से, तो वॉइस जो है वो एकदम ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा नजदीक करेंगे क्या कृपया? अब आ रही है? हाँ थोड़ी वॉइस में हमिंग है। हाँ कीजिए बोलिए। अच्छा तो 2000 से लगभग हम जो मंत्र का जप करते थे, हमारे पहले गुरु हम पहले से ही शिष्य थे, लेकिन वो जो गुरु थे उन्हीं की प्रेरणा पर प्रेरणा से ही रही है। तो इस बार गुरु पूर्णिमा पे साक्षात उनसे इनको दर्शन करने का सौभाग्य मिला, एक प्रत्यक्ष गुरु, क्योंकि हम खुद पहले से चाहते थे अपने गुरुदेव से अपने इष्ट आराध्य से यही कहते थे कि हमें भी एक प्रत्यक्ष गुरु होना चाहिए, ताकि हम उनकी चरण वंदना कर पाए, उनकी चरण पादुकाओं का पूजन कर पाए, उनको हम देख पाए अपने दृष्टि से, और वो हमको देख पाए। देखते तो सभी है, लेकिन हम उनको देख पाए और उनकी कृपा दृष्टि जो है अनुभव कर। तो ये प्रार्थना हमें सदैव अपने इष्ट आराध्य से 2000 के बाद गुरुदेव से, मतलब 2017 के बाद हम जुड़े, उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि दीक्षा भी नहीं देते, दीक्षा को दाखिल देना गुरुदेव ने शुरू किया। तो जब भी समय मिला, जब भी गुरुदेव की कृपा हम पर हुई, हम उसे मिले, क्या परम सौभाग्य रहा कि इसी गुरु पूर्णिमा को हम आश्रम गए, वहां गुरुदेव ने दीक्षा दी। उसके बाद जो परिवर्तन हुआ जी, उसके बाद जो परिवर्तन हुआ जब हम घर आए, इन साधना जो व्यवस्थित है जैसा हम करते हैं हमारे 20 साल से वैसे ही करे, मंत्री भी गुरुदेव ने वही दिया जो हम पहले से जपते, वही मंत्र साधना करते जी, वही मंत्र साधना करी। अभी 4-5 दिन पहले एक अनुभव है, 4-5 दिन पहले मतलब लगभग 2:30 बज रहा होगा रात का, हम सोए, सोने के बाद गुरुदेव हमारे स्वप्न में आए, स्वप्न में आते तो अपने बहुत ही तेज से प्यार से, जैसे एक बच्चे का गुलाब मार करते वैसे उन्होंने अपना हाथ हमारे मतलब हमारे सिर पे ठहराया, हमारे बड़ा स्नेह किया, स्नेह करने के बाद हमने एक आदेश दिया, आदेश था कि एक मंत्र हमको स्वप्न के माध्यम से उन्हें दोबारा दिया, दूसरा उस स्वप्न के माध्यम से मंत्र दिया और आदेशित करा कि इस मंत्र आपने वैसे करने हैं, और जो आप अपना यज्ञ करते हो उस यज्ञ में इस मंत्र से कुछ आहुतियां आपको दे, आप मेरे भाई आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मंत्र उन्होंने दिया और जिस माता का उन्होंने दिया, जिस भगवती का उन्होंने दिया, मैं उनके बारे में बहुत पहले से ना तो जानता हूँ और ना ही मुझे उनके बारे में पूरी जानकारी, लेकिन जगदम्बा का जो मंत्र उन्होंने मुझे दिया उसके लिए जो आदेशित करा, उसके बाद जो हम करते हैं हम अनुभव कि शरीर बिल्कुल रोमांचित, रोंगटे खड़े हो जाना, अनायास आंसू लेकर लाना जी, हाँ हम साधना करते हैं मंत्र जप करते हैं अनायास ही आंसू लेकर लाना, और एक रोंगटे खड़े हो जाना, शरीर में एक तरीके से संपन्न हो जाना, ये जो अनुभव रही जी, और बड़ी मत स्तर आग्रह चक्र पे कहते हैं ना शीतलता का अनुभव हो जाना, ये जो अनुभव है ये मुझे गुरुदेव से प्रत्यक्ष मिलने के बाद ही ऐसा अनुभव मुझे प्राप्त। और आपसे जब मैं मिला, गुरुदेव से मिला, उसके बाद ही ये जो साधना में परिवर्तन आया है, या जो जो एक स्वप्न के माध्यम से जो आदेश गुरुदेव ने करा है, ये बाद में ही परिवर्तन है। तो ये मेरा एक अनुभव रहा है। बहुत अच्छा अनुभव आपको रहा है, काफी साधनाएं आपने की है, और गुरुदेव का आशीर्वाद तो हमेशा श्रद्धालुओं के साथ में हमेशा ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय आश्रम के लिए निकाला जी, और अपना अनुभव आपने अन्य श्रद्धालुओं के साथ में साझा किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय श्री राम, राम जय श्री राम। ये अनुभव आपने सुना एक श्रद्धालु का, और ये अनुभव श्री श्रृंखला जो है आगामी समय पे बाकी श्रद्धालुओं को हुए दिव्य अनुभूति और अनुभव के को समय समय पर आश्रम के चैनल के द्वारा आप सभी श्रद्धालुओं के साथ में साझा किए जाएगा,
और आप ये जो अनुभव श्रद्धालुओं के हैं इनको अपने मित्रों में, परिवार के साथ में आप भी साझा कीजिए, और राष्ट्र और सनातन संस्कृति के उत्थान और कल्याण के अंदर आप भी सहयोगी बने। ये पॉडकास्ट, ये अनुभव श्रृंखला रिकॉर्ड करने का और प्रेषित करने का एक ही उद्देश्य है, आप सभी प्रोत्साहित हों और आप भी साधना से जुड़ें और इधर उधर मजारों पे भूत प्रेतों के दरबारों में जाना बंद कर दें। आश्रम का बस यही उद्देश्य है, आप सभी सनातन के सत्य मार्ग पे चलें। मिलते हैं जल्दी एक नए अनुभव के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।